जी तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ पिछले पार्ट में मैंने सारा पवेलियन एरिया को और ये ग्रास एरिया को डिटेल से कवर किया। इस वीडियो में हम आगे जो स्टैंड्स हैं उनकी सारी अपडेट्स आपको क्लोज से देंगे कि क्या क्या काम चल रहा है। तो हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियो को देख लें ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स मिल जाएँ। जिन्होंने पिछली वीडियो मिस कर दी वो जाकर पिछली वीडियो देख लें, उसमें हमने तमाम तरह ग्राउंड एरिया को, पिच एरिया को, पवेलियन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और यहाँ पर जो काम हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन की, तो वो सारा देख लें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टैंड्स को कवर कर लेते हैं। साथ में आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाने। जितने नए व्यूअर्स आ रहे हैं, ये बाय द वे उनके लिए बताता चलूँ, पेशावर के दो बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो इस वीडियो में भी आप जिन्होंने पिछली मिस कर दी उनके लिए बता रहा हूँ। बाय द वे वैसे तो सब देख लेते हैं, खैर आ जाते हैं इस वीडियो की तरफ भी, हमारे साथ रहिए। ये स्टैंड डी के लिए देखें, जो रिमेनिंग रहता था उसे अब कंक्रीट किया जा रहा है, ऊपर सेटिंग कर ली गई है। वहाँ पर वर्कर्स जो हैं अब यहाँ पे भी 8 बजे काम शुरू हो जाता है। देखें ये पूरा स्टैंड डी है, जो वहाँ तक ऊपर जो इसकी प्रोडक्शन मतलब जो पर्दा वाल है वो कंक्रीट हो गई थी, अब ये बाकी का सारा कंक्रीट किया जा रहा है। एक एंट्रेंस यहाँ से है, ये वैसे बाय द वे मैंने समझाया था पिछली बार। तो ये स्टैंड डी के लिए जो रिमेनिंग रहता था, जो शटरिंग हुआ था, इसमें सारा स्टील एनफोर्समेंट का काम भी आप देख सकते हैं बीच में सारा हो गया था, ये ऊपर से कंक्रीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, स्टैंड डी के पीछे ये स्टैंड सी की भी एक अपडेट देख लें। ये सारा जो कंक्रीट हुआ था और उसकी जो प्रोडक्शन वाल है, पर्दा वाल कंक्रीट जो ऊपर आपको दिख रही है यहाँ तक हुई है। स्टैंड सी के लिए भी इसकी बस ये थोड़ी सी रहती है, ऊपर सरिया वगैरह लगा हुआ है, बस कंक्रीट होना बाकी है। इस तरह आगे बढ़ते हैं, आपको सारी अपडेट देते हैं, हमारे साथ रहिए। कंप्लीट वीडियो देखना तो आपको पूरे स्टेडियम की अपडेट अच्छे से मिल जाएगी। ये सारा स्टैंड सी है, आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं काम जो एक्स्ट्रा हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सामने से स्टैंड सी देख लें, यहाँ पे भी अरबाब नहीं, यहाँ स्टेडियम की तरह 8 बजे सुबह काम शुरू कर देते हैं वर्कर्स तमांतर। अभी सारे वर्कर्स ज़्यादातर जो है ना वो पवेलियन के बीच में जितना भी एरिया रिमेनिंग है काम करने के लिए उसमें काम कर रहे हैं, और बाकी जो स्टैंड्स में कुछ वर्कर्स मैंने आपको दिखाया वो वहाँ पे काम कर रहे थे। स्टैंड बी एंड सी के बीच में ये एक एंट्रेंस का रास्ता, एक एंट्रेंस यहाँ से है। जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, जितने भी चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं नए व्यूअर्स, वो जाके स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उसमें मैंने सारी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस की हैं, कहाँ कहाँ पे फ्लड लाइट्स होंगी, कहाँ कहाँ पे फ्लड लाइट्स के पोल्स होंगे, और पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस किए। अक्सर मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, पुराने व्यूअर्स को पता है, ताकि आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, इसकी फैसिलिटीज़। और बाय द वे मैं स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये वो स्टैंड बी है, ये काफ़ी बड़ा स्टैंड है। हाँ पास आके पता लगा, यहाँ पे स्टील इन्फोर्समेंट का काम हुआ है, सारा सरिया बीच में लग गया है, वहाँ पे भी स्टैंड डी में भी और स्टैंड सी में भी। तो ये बस अब कंक्रीट हो रहे हैं, ये इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट, ये इशू नहीं है। यहाँ पे एक अंदर एंटर होने का इमरजेंसी का रास्ता भी है स्टैंड बी के पास ही, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो। और काफ़ी काम हो गया है पवेलियन के अंदर, जो सेक्शंस कवर कर रहे हैं, जो ईंटें लग रही हैं, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, लॉकर्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम्स, सामने कुछ यहाँ पे आपको जो ग्रिल है वो भी दिख रही होगी, तो ये भी लग रही है। मेरे ख्याल में हर स्टैंड के सामने यहाँ पे बाहर साइड पे ग्रिल भी लगेगी, इसकी खूबसूरती पे भी काम होगा। अच्छा यहाँ पे वो एक्स्ट्रा अपडेट भी देख लें, जो पवेलियन के लेफ्ट साइड पे सबसे पहला स्टैंड ए है, उसके लिए जो रिमेनिंग रहता था स्टैंड उस पर अब काम शुरू हो गया है। देखें इस स्लोप में जितना भी आपको शटरिंग का काम दिख रहा है, ये स्टैंड ए जो रिमेनिंग रहता था ये इतना हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, ये बाकी का हिस्सा भी कंक्रीट हो गया, ये स्टैंड ए है। स्टैंड ए डी एंड बी ये काफ़ी बड़े स्टैंड है। ये स्क्रीन के भी आपको नज़दीक से दिखाएंगे, कभी हम नज़दीक से आपको नहीं दिखा पाए कि यह स्क्रीन यहाँ पे
किस तरह से इसके लिए जगह बनाई जा रही है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ साथ रहिए। यहाँ पे भी वर्कर्स ने काम शुरू कर दिया। देखें पवेलियन कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। ये वो स्टैंड ए है जो सारा कंक्रीट हुआ है, और आपको स्क्रीन वाला एरिया आप दिखाएंगे सामने, ये जो है कि इसको किस तरह से बनाया है। अच्छा बाय द वे एक एंट्रेंस यहाँ से है, ये भी मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका था स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। और ये वो स्क्रीन वाला एरिया, यहाँ पे वो स्क्रीन लगेगी। और बाकी जो स्टैंड ई एन एफ एक्ट जो ग्रासी हैं यहाँ पे, उन्होंने स्टे किए हुए जो इंजीनियर्स हैं वर्कर्स हैं, तो वो स्लोप में आखिर में बनेंगे, वो आसान है। उसमें कोई चेयर्स की इंस्टॉलेशन या ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आसानी से बन जाएंगे। जो स्टैंड ई एन एफ है यहाँ पे, ई एन एफ, तो आसानी से बन जाएंगे। लेकिन ये कंक्रीट जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे भी अपडेट देख लें साथ साथ में। देखें जो स्टैंड्स के अंडर एरिया है उन्हें भी कवर किया जा रहा है। सारा दीवार का काम हो चुका है, और पहले ये सारा कंक्रीट हुआ है, जितने भी स्टैंड्स हैं उनको फिर इस तरह बीच से कवर भी किया गया, और इसके अंडर एरिया जो है अंडर स्टैंड्स, इनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा, काम में लाया जाएगा। डिफरेंट स्टोर्स वगैरह रूम्स वगैरह बनेंगे। मैं आपको बैक साइड व्यू भी दे देता हूँ स्टैंड्स का। ये देखें ये बैक साइड व्यू है, इस तरह से कवर हो रहा है, इनको भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाएगा। एनएलसी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, तो बैक साइड से स्टैंड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखें यहाँ से हो गया, तो इस तरह से वो उस साइड भी हो गया। तो ये बैक साइड है स्टैंड्स की। एक एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ से भी आप स्टैंड ग्राउंड के अंदर जाएंगे, और फिर जिन्होंने आगे स्टैंड्स डी की तरफ टिकट लिए होंगे या ई एफ, तो यहाँ से भी आगे जाके वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे भी एक गेट है, और उस साइड से आगे भी एक गेट है, और ये एरिया क्लोज होगा ऑब्वियसली। उस साइड पवेलियन है, तो वी आई पी सेक्शन है, और वो प्लेयर्स के लिए होगा। तो बैक साइड से स्टैंड्स देख लें। देखें इतने छोटे भी नहीं है, बड़े स्टैंड्स है, पूरा ही देखें काफ़ी बड़ा स्टैंड है, और इसके अंडर जो एरिया वो भी कवर हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक अपडेट रहेगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कोने में जो क्रिकेट स्टेडियम के बैक साइड पे स्विमिंग पूल भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अपना बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका। देखें ऊपर रूफ भी डल गई ऑलमोस्ट, वो उस पर भी काफ़ी काम हो गया। ये बाय द वे फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके वो पीछे साइड पे जो आपको दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, ये वो स्विमिंग पूल है। इसकी मैं अपडेट अक्सर शेयर करता हुआ आता था वीडियोज़ में, काफ़ी दिनों से आपको नहीं दिखाया, तो ये भी आप देख लें ऑलमोस्ट सारा बन चुका है, ऊपर रूफ भी डल गया। सो साथ में मैंने सोचा ये भी कवर कर लें। सो होपफुली इस बार की जितनी भी अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरा एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सामने फुटबॉल ग्राउंड है, वो इंडोर गेम्स के लिए बड़ा हॉल है, उसी के पास एक गर्ल्स जिमनीजियम मेरे ख्याल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है मैं पूछ लूँगा। और साथ ही में अंदर एक बड़ा जिमनीजियम बना भी था जो उसके इफ्ताह भी किया था। बाय द वे इमरान खान ने भी विज़िट किया था हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, और स्टेडियम का भी विज़िट किया था। के जो सीएम है वो भी आते रहते हैं, डीजी स्पोर्ट्स असलम यार खटक वो भी विज़िट करते रहते हैं। सो इस बार बड़ी डिटेल से मैंने आपको अपडेट शेयर किए। देखिए सारा ब्यूटिफिकेशन का काम, तो इससे स्टेडियम और भी खूबसूरत दिखेगा। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस योर बॉय हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।